अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जस्टिस फॉर ऑल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का मकसद लोगों तक कानूनी और सामाजिक मसाइल के जो हल हैं उनके बारे में बात करना है, और इस हवाले से हम मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको अप्रोच करते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक मशहूर कानूनदान बैरिस्टर मोइज अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपने हमें टाइम दिया। सर, जस्टिस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एक यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका काम रूल ऑफ लॉ सिचुएशन को मेजर करना है, और वो हर साल एक अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, 2020 की रिपोर्ट के तहत उन्होंने 128 कंट्रीज को मेजर किया रूल ऑफ लॉ सिचुएशन को, जिसमें पाकिस्तान का नंबर 120वें पे आया, जो कि अच्छा नहीं है। और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ 2020 का मसला नहीं है, ये पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। तो आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? क्या जजेस जिम्मेदार हैं, लॉयर्स जिम्मेदार हैं, या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिम्मेदार है? मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, आई डोंट नो व्हाट द स्कोप ऑफ द रिसर्च वाज, बट जो हमारा यहाँ पे जनरल सिस्टम है वो है वीक, हमें पता है। और सबसे बड़ा मसला आई थिंक आवाम के लिए डिले है। कहा जाता है कि जहाँ क्विक डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉपर जस्टिस होती है वहाँ पे फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल भी हल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गवर्नमेंट इदारे में गए और वो गवर्नमेंट इदारा आपका काम सही नहीं कर रहा है, तो अब हमारे यहाँ सोचा जाता है कि अब तो भाई पैसे देने पड़ेंगे काम कराने के लिए, अगर आपको सही काम नहीं कराना है। दूसरा हल उसका ये होना चाहिए था कि बंदा सोचे कि यार मैं फॉरन कोर्ट जाऊँ, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहाँ कोर्ट के सामने रखते, कोर्ट फैसला करते, कोर्ट उसको ऑर्डर करते कि भाई इसका जायज काम नहीं करो। अब यहाँ पे क्योंकि अंडर रिसोर्स हैं हमारे सिस्टम जो है, मोस्टली आई थिंक सबसे बड़ा मसला ये है अंडर रिसोर्स। आप देखें तो अब अगर फर्स्ट करें वो बंदा कोर्ट जाने की सोचता है तो मसले का हल क्या, मतलब उसके नोटिस होते होते ही 6 महीने साल निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिस होते होते जवाब आते आते तो उससे बेहतर सोचता है कि यार हम जो है कुछ यू नो, आई मीन ओवरऑल सिस्टम एक एक विशेष सर्कल में घूमता है। तो बुराई होती है, बुराई की कोई पकड़ नहीं होती, फिर वॉर पड़ती है, फिर वॉर पड़ती है। और कोर्ट्स में जो हमारा डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस प्रॉपर नहीं हो पाता उसकी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ रिसोर्सेज है और कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है कि हमने बहुत सालों में स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स किए हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ हमने देखा कि भाई कोर्ट्स स्लो चल रहे हैं तो हमने मॉडल कोर्ट्स बना दिए, फिर हमने देखा यार कोई और करप्शन बहुत फैल रही है, हमने करप्शन के अलग कोर्ट बना दिए, फिर हमने देखा यार बैंकिंग का सेक्टर बढ़ रहा है, कोर्ट्स में स्लो हो जाता है, इसलिए हमने बैंकिंग कोर्ट बना दिए। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक टाइम बेस्ड नहीं बता रहा कौन सा पहले बना कौन सा बाद बना, बट फिर उन कोर्ट्स में हम देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस बहुत से भी बुरी है, वहाँ तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, और जो लोग आके बैठते हैं वो अक्सर रिटायर्ड अफसरान होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, बहुत मोहतरम होते हैं मगर उनकी कैपेसिटी काम करने की खत्म हो चुकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हमें इधर उधर लगाने के बजाय इसी सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी सिस्टम में ट्रेनिंग के प्रोसेस लाने चाहिए और यहाँ पर रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, इन्हीं जजेस का नंबर बढ़ाना चाहिए। आप देखें कुछ ही भी जज के सामने अगर 30-40 केस लगे वो पॉसिबल ही नहीं है वो इंसाफ भी कर सके और सब सुन सके, पहले तो सुनना ही नामुमकिन है, और अगर कुछ 6-8 सुन भी लेगा तो 6-8 का भी कोई बंदा फैसला नहीं कर सकता दिन में। तो एक एक प्रॉपर जो निज़ाम है उसको रिसोर्सेज की बहुत सख्त जरूरत है। तो मतलब अगर हमारे पास 40 जज हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास कोई 200-500 जज होने चाहिए, आवाम इतनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, उस हिसाब से हम उसको रिसोर्स ऐड नहीं कर सके। तो अच्छे से अच्छा जज भी हम देखते हैं वो आता है थोड़े ऐसे में इतना थक जाता है कि वो बस फिर क्वालिटी of jurisprudence that needs to be developed तो नहीं होती, और जब precedent अच्छा set नहीं होता, jurisprudence अच्छी build नहीं होती, तो जाहिर है फिर कोई कोई सिर्फ नहीं मिलती जिस तरफ आप आगे बढ़ सकें। I think that is the biggest problem with the dispensation. So you mean to say that financial constraints are one of the reasons for that? Not necessarily financial, all resources, even maybe intellectual resources. आप हमारी legal education पे जाएं उसका बहुत बुरा हाल है। आप exam में university examination लेती है 50 साल पुराने style के, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
जनरल लीगल एक्यूमेंट भी प्रॉब्लम है कहाँ से, और उसकी सीरियसनेस का भी मसला है, हम अपनी डिग्री कितनी वैल्यू करते हैं उसके बाद उस पर कितनी मेहनत करते हैं, प्रॉपर इंटर्नशिप, आई यू नो जनरल सिस्टम में फ्लॉ भी है, मैनेजरियल फ्लॉज भी हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज भी हैं जो हम एड्रेस कर सकते हैं, मगर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट गरीब मुल्कों के लिए जनरली आई थिंक फाइनेंशियल भी होता है, तो अगर ज़्यादा रिसोर्स होंगे तो ज़्यादा आई थिंक आप लोग बेटर ट्रेन होंगे, बेटर लोग लाएंगे, और फाइनेंस से भी ज़्यादा आई थिंक बिल भी नहीं है, आई मीन रिसोर्सेज एलोकेट करना अलग मसला है, शायद एलोकेट हो भी जाए मगर बिल भी आई थिंक कुछ नहीं है हमारी जनरली से पढ़ने की, वकला का भी मसला है, जजेस का भी मसला है, मगर उससे पहले जो एलोकेशन है रिसोर्स एलोकेशन जो गवर्नमेंट का काम है उसका भी शायद इशू हो रहा है, तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि वी ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर दिस रूल ऑफ लॉ सिचुएशन. यस, बट द अदर क्वेश्चन दैट डील्स फ्रॉम दिस इज दैट वेयर इज द सॉल्यूशन. यस सर, आई मीन द सॉल्यूशन हैज टू कम फ्रॉम लॉ रिफॉर्म बेसिकली. आई मीन बहुत सारे ऐसे might be jumping the gun, no, saying few things extra, but you know, I mean, जैसे कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं है, तो ये हमें ये आज तक नहीं समझ आता कि यार ये हमें रिट में जाना चाहिए या ये लेबर, एग्जाम्पल लेबर का ले रहे हैं, सर्विस मैटर्स ले रहे हैं, आज तक एक कानून है भाई स्टैट्यूटरी रूल्स हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं जा सकते, सही, मगर बहुत सारी बार जूरिसप्रूडेंस ऐसी बिल्ड हुई है कि वो पिटीशन फाइल हो जाती है उसमें फैसला भी आ जाता है. Ambiguity बहुत है. For example, if you have to advise someone on how to manage your labor and what facilities you have to provide them and what kind of requirements are there under the law, then you have to look at 10 different statutes. There's no consolidation of law. It has been developing piecemeal here and there. You have to search from bill to post. और जाहिर है हम लोग तो professionals हैं, तो हम रूल मान के दे रहे हैं. मगर जिनको एचआर वाले जो हैं बहुत सारे कंपनीज में उनको पॉलिसीज फॉलो करनी होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है ये खाली समझना कि भाई हमें करना क्या है. तो आई थिंक वहाँ जो हमारे लेजिस्लेचर है उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सबके, वो देखे बैठ के कहाँ कहाँ बेहतरी आ सकती है, कंसोलिडेशन करे कानूनों की कवानीन की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अब आज के दौर में जाके आई थिंक थोड़ी रिडंडेंट हो गई हैं, फिर भी फॉलो करें, जैसे सर्विस का तरीका है. अब सर्विस हम देखते हैं कि बेलिफ साहब गए नहीं गए हमें नहीं पता, वो रिपोर्ट जो चाहता है लगा देते हैं, फिर कॉपी आता है, छह महीने केस हो जाते हैं, फिर अगले वकील साहब आते हैं, कॉपी नहीं मिली. आई मीन यू नो ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैव टू बी लुक्ड इनटू, वी हैव टू ब्रिंग इन मोर आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस मे बी, और ऐसी बहुत सारी चीजें, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैं, यू नो आई मीन अब वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया उसके बाद नई तरह से प्रोसीडिंग शुरू कर, मे बी वी नीड टू रीविजिट ऑल ऑफ दीस थिंग्स एंड सी के क्या जरूरी है क्या नहीं है, रिफॉर्म्स की जरूरत है. I mean, legislative reforms की भी बहुत सब जरूरत है. अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये कॉमनली कहा जाता है कि लोगों का जुडिशरी पर से कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी थाउजेंड्स ऑफ फ्रेश केसेस आर इंस्टीट्यूटेड एवरी डे, तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? नहीं, आई थिंक लोगों का स्पेशली आफ्टर द लॉयर्स मूवमेंट एक ट्रेंड बना है जो कहता है आवाम का कि आप हम कोर्ट से ले लेंगे जाके रिलीफ. अब मसला ये होता है वंस दे गेट इनटू द सिस्टम, वंस दे इनिशिएट प्रोसीडिंग्स एंड नहीं मिलता, जाहिर है वो जो बंदा आ जाता है सिस्टम में वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है टाइम की वजह से, टाइमली रिलीफ नहीं मिलता. मगर आम मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है, अगर किसी के लोगों का किसी इदारे पे एतमाद है वो जुडिशरी पे ही है कि यार हम जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ इंसाफ मिल जाएगा, बिकॉज उनके बाहर तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है करप्शन की वजह से भी, और वैसे भी इतना गैप है सोसाइटी में पावर के हिसाब से भी दैट इंडिविजुअल्स होल्ड and financially the social class is also such a big gap ke jinko insaaf ki zarurat padti hai unke paas tab koi chara nahi hota ke iske alawa ke wo adalat se rujoo kare. You mean to say that people do repose trust in judicial system of Pakistan? I think so, that's my understanding, but it's just that once they personally get invested in the system they realize ki ab yahan bhi hame kuch bahut zyada फायदा नहीं हो, because of the inordinate delay, because of the jurisprudence which is not clear. This is a systematic problem which needs to be addressed. Again you are saying that legislation की reforms की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अच्छा सर, तीसरा सवाल जो कि recent है बहुत ही, अब सिंध गवर्नमेंट ने बिल पेश किया सक्सेशन के हवाले से which empowers NADRA to issue succession certificates to legal heirs. तो आपका क्या कहना है whether it will be you know fruitful or will redress the hardship faced by legal heirs or
will pave the way for more complexities. What is your take on that? देखिए बात वही है, इफ नादरा इज एबल टू परफॉर्म एंड गिव, फॉर एग्जांपल नॉन कंटेंशियस मैटर्स हैं, सिंपल सिंपल सक्सेशन है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आपस में डिवाइड नहीं है, रिकॉर्ड उन्हीं के पास है, तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है इसमें कि उसको ट्राई करा जाए. कॉम्प्लेक्स मैटर्स में जाहिर है फिर देयर हैज टू बी अ बेटर रेफरेंस सिस्टम टू द बोर्ड मे बी, यू नो, नादरा हैज टू बी कॉशियस. आई मीन शुरू हुआ है टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट. कोई बुराई नहीं है अगर आवाम को कोई सहूलत मिल जाती है, बोर्ड आना जाहिर है महंगा भी पड़ता है और कोर्ट खुद बहुत बर्डन है, तो कोई भी चीज़ वही बात है कि हमने हर चीज़ की स्पेशल कोर्ट बना दी, इधर भेज दिया उधर भेज दिया, तो शायद ये भी हम यही कर रहे हैं. नादरा भी कुछ दिनों में हमें प्रॉब्लम ये हो रहा होगा, वहाँ के जो फैसले होंगे वो यहाँ चैलेंज हो रहे होंगे. बाकी दारों का काम बाकी दारों को करना चाहिए, जहाँ पे फैसले करने हैं जुडिशियल फैसले वहाँ पे ट्रेंड जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए. बट बहरहाल आई मीन इट्स बिकॉज हमारा सिस्टम इतना ओवरबर्डनड है, तो आई थिंक इट्स अ गुड ट्राई, आई होप दे सक्सीड. आवाम को रिलीफ की वाकई में जरूरत है, बहुत सारे सक्सेशन मैटर्स काफी सालों पेंडिंग रहते हैं, हालांकि नॉन कंटेंशियस भी होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ट्राई करने में, बट आई थिंक अगेन इट्स अ स्टॉप गैप फॉर इट नीड्स ओवरऑल रिफॉर्म. और ये करना जनरली, आई मीन जनरली स्पीकिंग, खाली सक्सेशन की बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत वाइज होता है इन द लॉन्ग टर्म, ये भी शॉर्ट टर्म में कोई रिलीफ मिल जाए लोगों को. और नादरा वैसे जाहिर काफी एफिशिएंट इदारा है, तो होपफुली दे विल बी एबल टू लुक इनटू दिस और फायदा होगा. जी फर्स्ट ऑफ आपने कहा कि क्योंकि ये बिल्कुल नया लॉ है, इट वुड बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, बट इंशाल्लाह वी होप फॉर द बेस्ट. एंड सर माय फाइनल क्वेश्चन व्हिच इज अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एरिया ऑफ लॉ, एरिया ऑफ प्रैक्टिस व्हिच यू पर्सनली बिलीव रिक्वायर्स अर्जेंट लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट, और रिजल्टेंटली क्या होगा कि केसेस जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे और आवाम को फाइनली रिलीफ मिल जाएगा जल्दी. एक तो मेरा बहुत हमेशा से स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए. एक बार कोर्ट ने डिग्री दे दी, ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, लेकिन अब जाहिर है ये तो आई मीन वंस यू पुट द थिंग्स इन, आई हैव नॉट रियली थॉट इट आउट आल्सो, कि बैठ के मैं सोचा हो कि यार ये करेंगे तो हल हो जाएगा मसला, मगर आई थिंक दैट इज जस्ट हमारे यहाँ उसको एज अ अपील किया जाता है. जो बंदा हार चुका है केस, वो एग्जीक्यूशन में उस तरह पहुँचता है इस अथॉरिटी से पहुँचता है कि मैं ऑब्जेक्शन फाइल करूँ, मेरा राइट ऑब्जेक्शन भी सुनना. मेरे हिसाब से होना ऐसा चाहिए, खासतौर पर जैसे रेंट हैं और ये सारे ऐसे स्पेशल लॉज हैं इनके उसमें, तो खासतौर पर अगर डिग्री आ गई है तो अब आवाम पे जिसके खिलाफ फैसला आया उस पर लाजम होना चाहिए कि वो कोर्ट का फैसला माने और उसको हल करे, और अगर नहीं हो तो देन कंटेंट प्रोसीडिंग्स शुड फॉलो रादर देन एग्जीक्यूशन. तो उससे मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बैकलॉग काम का वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि आपको एग्जीक्यूशन पर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के पास ये कंटेंट प्रोसीडिंग्स में पावर होनी चाहिए जो एग्जीक्यूशन में क्यों करवाए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाए. देयर शुड बी मोर समरी इन नेचर, यू नो आई मीन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स एज सच एक सेपरेट नई लिटिगेशन को जन्म नहीं देना चाहिए. तो आपका एक तो ये एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग्स है उनको खत्म कर दिया जाए, कोई दूसरा एरिया जो भी लॉज जो वक्त पीसमील तौर पे बढ़े उनको फिर रिविजिट करके उनको वहाँ से अपडेट करने की जरूरत है, सिंगल कोड लाने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट लॉ फॉर एग्जांपल. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अगेन. जस्टिस फॉर ऑल टीम इज वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़.